गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं शशि रतन संत माइकल्स एकेडमी से आज आप लोगों को 12th क्लास की पाठ्य पुस्तिका अंतराल से प्रथम पाठ सूरदास की झोपड़ी पढ़ाने जा रही हूँ। सूरदास की झोपड़ी जो रंगभूमि में प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है, जिसका नायक अंधा सूरदास है। सूरदास की झोपड़ी इस उपन्यास का ही एक अंश है, यानी कि रंगभूमि जो प्रेमचंद का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है, जिसके नायक थे सूरदास, वो अंधे हैं। सूरदास की झोपड़ी इसी उपन्यास का एक अंश है। इस अंश में सूरदास भैरव, सुभागी, जगधर, बजरंगी, नायक राम, ठाकुर दीन, मिठुआ आदि पात्र हैं, किंतु मुख्य भूमिका में सूरदास, भैरव, सुभागी व जगधर हैं। यानी कि पूरे पाठ में हम लोग देखेंगे कि पात्र कौन कौन से हैं, तो प्रथम पात्र सूरदास हो गए, उसके बाद भैरव, सुभागी व जगधर, इन्हीं के बीच में जो भी वार्तालाप हुआ है ये पाठ के अंतर्गत हम लोग समझेंगे। पृष्ठभूमि यह है कि भैरव ने अपनी पत्नी सुभागी को पीटकर घर से निकाल दिया है और भैरव की मार से डरकर सूरदास की झोपड़ी में जाकर सुभागी छुप गई है। भैरव झोपड़ी में घुसकर जब उसे पीटना चाहता है तो सूरदास उसे ऐसा नहीं करने देता। भैरव इसी कारण सूरदास से दुश्मनी मानता है, यानी कि भैरव की पत्नी है सुभागी, सुभागी को भैरव बहुत पीटता है, इसी डर से वो क्या करती है कि सूरदास की झोपड़ी में जाकर छुप जाती है। और जब वो वहाँ छुप जाती है तो भैरव वहाँ भी घुसकर मारना चाहता है, लेकिन सूरदास उसको बचाने का प्रयास करते हैं। इसी पर भैरव यह समझ लेता है कि सूरदास और सुभागी के बीच कुछ ना कुछ गलत रिश्ता है, जिसके कारण सूरदास सुभागी को बचाता है। तो यही ये पाठ है, और पाठ में सबसे मुख्य पात्र हैं सूरदास, जो कि अंधा भिखारी है। भैरव सूरदास से ईर्ष्या करने वाला है, ठीक है, वो हमेशा ईर्ष्या करता रहता है, उससे जलते रहता है। सुभागी भैरव की पत्नी है। जगधर भैरव का दोस्त है। मिठुआ सूरदास का पुत्र है। अन्य पात्र के अंतर्गत आते हैं बजरंगी, नायक राम, ठाकुर दीन, है ना, ये सब गांव वाले हैं, और घीसु मिठुआ का दोस्त है। अब नायक जो सूरदास जी हैं वो तो अंधे भिखारी हैं, साहसी हैं, वह हिम्मत न हारने वाले हैं, यानी कि कोई भी परिस्थिति आ जाए वो हिम्मत नहीं हारते थे। परोपकारी तो थे ही, उनके मन में हमेशा परोपकार की भावना रहती थी। सूरदास सकारात्मक सोच अपनाने वाले व्यक्ति थे। अबला सुभागी को शरण देने वाला सूरदास ही था, जो सुभागी को मारता पीटता था, उसका भैरवपति, तो बेचारा ये अपनी झोपड़ी में उसको शरण देता था। झोपड़ी जल जाने पर भी प्रतिशोध का अर्थ होता है बदला, की भावना में विश्वास न रखने वाला, यानी कि झोपड़ी जल गया, सूरदास की झोपड़ी सुभागी के पति भैरव ने जला दिया, लेकिन फिर भी सूरदास के मन में कभी भी बदला लेने की भावना नहीं आती है। सूरदास ने जमा किए थे धन 500 से कुछ अधिक रुपए, जो खर्च करने के संबंध में उनकी तीन इच्छाएं थी, यानी कि वो बहुत ही मुश्किल से भीख मांगकर अपना गुजारा करता था, उसमें से बचाकर जो वो पैसे रखता था उसमें से उसने 500 रुपए तक जमा कर लिए, उससे भी कुछ अधिक जमा कर लिए थे। तो उस 500 जो रुपए उसने जमा किए थे उसके पीछे उसकी कुछ इच्छाएं थीं। प्रथम इच्छा था कि वो सोचता था कि गया जाकर पितरों का पिंड दान करेंगे, यानी कि पैसा कुछ जमा हो जाएगा तो गया जाएंगे और गया में पितरों का पिंड दान करेंगे। फिर सोचता था
कि मिठुआ की शादी में कुछ पैसे खर्च करेंगे या कुछ पैसे बच जाएंगे तो गांव वालों के लिए एक कुआं बनवा देंगे। तो ये सूरदास की सोच थी। खलनायक के रूप में यहाँ पर कौन आता है? भैरव। भैरव सूरदास से ईर्ष्या करने वाला है, अपनी पत्नी सुभागी को मारने पीटने वाला है, यानी कि वो हमेशा अपनी पत्नी को मारता पीटता रहता है, क्योंकि उसे को एक शक है, सुभागी के चरित्र पर शक करने वाला। उसका यह सोच कि सुभागी के सूरदास के साथ गलत संबंध है, ये सोचता है भैरव, और इसी के चलते वो अपनी पत्नी को बराबर पीटता है। भैरव चोर भी है, चोरी भी करता है। कैसे चोरी किया उसने? सूरदास की झोपड़ी में आग लगा दिया, और जो सूरदास बेचारा बहुत कुछ पैसे बचा बचा कर रखता था कि पितरों का पिंडदान करेंगे, तो जो भैरव था सूरदास के रुपए चुरा लेता है। तो ये चोर भी है, प्रतिशोध की भावना रखने वाला है, जिसके परिणाम स्वरूप उसके द्वारा सूरदास की झोपड़ी में आग लगा देना होता है। यानी कि जो भैरव है वो अंदर ही अंदर प्रतिशोध की भावना रखता है ना, और इसी के चलते कि उसकी पत्नी के साथ नजायज संबंध है सूरदास के, ऐसा सोचकर उसके साथ वो जलन की भावना रखता है, प्रतिशोध की भावना रखता है, और इसी परिणाम स्वरूप वो सूरदास की झोपड़ी में आग लगा देता है, और उसकी जो भी बचत पैसे बचा बचा कर सूरदास रखता था वो उसको चोरी भी कर लेता है। तो ये भैरव जो है ये नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति है। सुभागी, सुभागी इसमें एक पात्र सुभागी भी है। सुभागी भैरव की पत्नी है। भैरव की मार से बचने के लिए सूरदास की झोपड़ी में शरण लेती है। सूरदास के गुणों के कारण सुभागी का उसे अच्छा समझना, यानी कि सूरदास सुभागी को इसलिए अच्छा समझते थे क्योंकि वो गुणी थी, उसके अच्छे गुण थे, है ना, इसलिए वो सूरदास उसको अच्छा समझते थे। सूरदास की पोटली को अपने घर से ढूंढ ढांड कर लाने का संकल्प करती है। जैसे ही सुभागी को पता चलता है कि उसका पति भैरव सूरदास की बचत जो पैसे थे उसको चुरा लिया है, तो पत्नी सुभागी ये दृढ़ संकल्प करती है कि मैं फिर जाऊंगी भैरव के घर में और सूरदास की जो भी पोटली है उसे ढूंढ ढांड कर लाऊंगी। इसी पाठ में जगधर भी है, जो कि भैरव का दोस्त है, सूरदास से दोस्ती का दिखावा करने वाला है। भैरव का दोस्त कौन है? जगधर, और सूरदास से सिर्फ दोस्ती करने का दिखावा करता है, लेकिन असल का दोस्त वो है भैरव का, सूरदास से केवल दिखावा वाला दोस्ती रखता है। खोंचा लेकर गांव की गलियों में मिठाई बेचने वाला है, यानी कि जगधर कौन सा काम करता था? वो खोंचा लगाता था, गांव-गांव में मिठाई बेचता था। भैरव को उकसाने व भड़काने में उसकी विशेष भूमिका रहती थी, यानी कि जो जगधर है ये भैरव को हमेशा भड़काता रहता था कि देखो तुम्हारी पत्नी सूरदास के एक झोपड़े में जा छुपी है, तुम्हारी पत्नी और सूरदास के बीच में गलत संबंध है। तो इस तरह से जगधर हमेशा भैरव को सिखाता पढ़ाता रहता था, भड़काता रहता था, तो उसकी भी यहाँ पर विशेष भूमिका है। सुभागी को दिल ही दिल में चाहने के कारण, यानी कि जगधर जो है वो खुद सुभागी को दिल ही दिल में चाहता है, और उसके द्वारा सूरदास की झोपड़ी में शरण लेने पर उससे जलन हो जाता है। यानी कि वो जब सुभागी अपने पति के मार, भैरव के मार से बचने के लिए जब सूरदास की झोपड़ी में जा छुपती है तो जगधर जल भुन जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि सुभागी क्यों जाकर सूरदास के झोपड़े में छुपती है, क्योंकि वो मन ही मन उससे प्रेम करता था। तो इसी जलन से वो क्या करता है, जगधर जो है वो जलन की भावना से भैरव से सूरदास के खिलाफ बातें करता है। तो इस पाठ के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं कि
सूरदास की झोपड़ी में आग लग जाती है और सूरदास बेचारा रोता है, बहुत रोता है और वो सोचता है कि हमारे झोपड़े में आग किसने लगा दी, मैं इतने मेहनत से जो भी पैसे बचा कर रखा था वो सब कुछ जल गया। यानी कि सूरदास की झोपड़ी जब धूं धूं करके जल उठी, उसी समय वो अपने द्वार पर सोए लोग जो थे वो आग की बात सुनकर सूरदास की झोपड़ी की ओर दौड़ पड़ते हैं। आग पूरे वेग पर थी, आग बुझाने के सारे प्रयास व्यर्थ हो गए थे, ग्रामवासी भी आग बुझाने का प्रयास कर रहे थे, वे अपनी असफलता पर निराश थे, है ना, वो आग नहीं बुझा पा रहे थे क्योंकि फूस की झोपड़ी थी और पूरी झोपड़ी में पूरा आग जगधर ने लगा दिया था। गांव के सभी लोग वहां पर आ पहुंचे थे क्योंकि वो देख रहे थे कि सूरदास की झोपड़ी में आग लग चुकी है और वो इस बात पर चर्चा कर रहे थे गांव वाले कि खैरियत यह है कि किसी अन्य के घर में यह आग नहीं लगी। तो इसी दुर्घटना पर वे चर्चा करते हुए सब लोग अपने अपने घर चले गए। सूरदास बेचारा वहाँ अपने झोपड़ी के पास अभी भी बैठकर रो रहा है क्योंकि उसकी झोपड़ी में जितने भी बर्तन भांडे थे वो सब जलकर राख हो चुके थे। उसे उस पोटली की चिंता सता रही थी जिसमें उसके जीवन भर की कमाई थी, जो उसके जीवन की सारी आशाओं का आधार था, क्योंकि बहुत मुश्किल से वो पैसे जमा किया था और ये सोच कर कि अगर ये पैसे मेरे पास पैसे रहेंगे तो मैं अगले साल जाकर गया में पिंडदान करूँगा, मिठुआ की शादी में खर्च करूँगा, गांव में कुएं बनवाऊँगा, तो इस तरह के वो सपने देखा करता था। आज उसका सारा सपना चूर चूर हो गया। वो बार बार सोचता है रुपए थोड़े ही जले होंगे, लेकिन देखो उसके मन में आज भी एक ये है कि पूरी झोपड़ी जल गई है, लेकिन फिर भी वो सोच रहा है कि नहीं नहीं मेरे रुपए थोड़े ही जले होंगे, यदि चांदी पिघल भी गई होगी तो चांदी तो मिलेगी। फिर सोचता है रुपए यहाँ रखे ही क्यों थे, अब फिर पछता भी रहा है वहाँ बैठकर अपने झोपड़े के पास में कि बेकार में मैंने अपने झोपड़े में पैसे बचा कर रखे थे, पर रखता कहाँ, अगर अपने झोपड़े में नहीं रखता तो मैं कहाँ रखता, ये वो सब चीज़ बैठकर सोच रहा है। किस पर विश्वास करके रुपए उसे दे देता, यानी कि अगर मैं अपने झोपड़े में नहीं रखता तो किसके पास देता, किस पर मैं विश्वास करता। बेचारा वो सोचता है अब पितरों को पिंड देने गया कैसे जाऊंगा, मिठुआ का विवाह हो जाता तो यही काम करता। सोचता है गलती हो गई, एक एक काम निपटाता चलता, यानी कि अब वो सोच रहा है कि एक एक काम मुझको अब निपटाना था सो अब तो सब खत्म हो गया। वो सुबह होते ही, रात के 2 बजे ये आग लगे थे ना, उसके बाद सुबह वो उठता है और सुबह प्रातःकाल होने पर सारे गांव के लोग फिर एकत्रित होते हैं, जिसमें से जगधर ने सूरदास का दिल टटोला कि कहीं उसका शक मुझ पर तो नहीं है। अब गांव के लोग सोच रहे हैं कि ऐसा ना हो कि सूरदास सोचता होगा कि जगधर आग लगा दिया, इसलिए उसके पास जाकर उसका दिल टटोलता है और कहता है सूरदास को शक तो था किंतु उसने स्पष्ट कह दिया था कि तुम पर शक क्यों करूँगा। यानी कि सूरदास तो अच्छी तरह से जानता है कि जगधर जो है उसी ने आग लगाई है, लेकिन फिर भी वो बोलता है कि नहीं, सूरदास बोलते हैं कि नहीं मैं तुम पर क्यों शक करूँगा, तुमसे मेरी कोई शत्रुता तो है नहीं। गांव वाले के भड़काने की ओर से ही सूरदास को सचेत कर दिया। सूरदास ने भी जगधर से कह दिया तुम्हारी तरफ से मेरा दिल साफ है, यानी जगधर कह रहा है, अपनी सफाई दे रहा वहाँ पर बैठकर कि देखो भाई तुम ये मत समझना कि मेरे दिल में तुम्हारे प्रति कोई बैर है और मैंने ही आग लगाए हैं, ऐसा नहीं है, मैंने आग नहीं लगाई है। फिर जगधर कहता है सब लोग तुम्हारे ऊपर शुभा करते हैं, नायक राम की धमकी तो तुमने अपने कानों से सुनी है, यानी कि अब वो अपना जो करतूत था वो दूसरे पर ठेलना चाहता है और वो दूसरे को बताना चाहता है कि देखो वो तुम्हारे नायक राम जो है ना वो तुमसे ईर्ष्या करता है, वो लोगों से तुम्हारे बारे में कहता है उसी ने झोपड़ी में आग लगाई है। तो इस तरह से झोपड़े में तो आग लग गई, जगधर ने लगा दी, लेकिन अपनी वहाँ पर वो सफाई दे रहा है। तो इस पाठ के अंतर्गत हम लोगों ने पाया कि किस तरह से सुभागी
के चलते जगधर उसको पिटता था और वो अपनी पत्नी को सोचता था कि सूरदास के साथ इसके नजायज संबंध है, यही उसके अंदर में आग जो है लगा रहता था और इसी आग के चलते उसने सूरदास के झोपड़े में आग लगा दी। लेकिन फिर भी सूरदास कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं सोचता हूँ कि जगधर तुमने आग लगाई है। सूरदास बेचारा अकेला बैठा वहाँ रो रहा है, है ना, ग्लानी चिंता और क्षोभ के अपार जल में गोते लगा रहा है। अचानक उसके कानों में मिठुआ के रुदन के साथ घीसू का यह कथन, जो मिठुआ घीसू ये सब थे ना गांव के लोग थे, तो उसकी आवाज़ उसके कानों में पड़ती है। खेल में रोते हो, सूरदास को मानो कोई मंत्र मिल गया, यानी कि उसके दोस्तों ने कहा कि अरे भाई ये सब तो जिंदगी का खेल है, तुम खेल में रोते हो। वो इतना ही बात उसके दिल में एक मंत्र की तरह पड़ गया। सोचने लगा, लड़के भी खेल में रोना बुरा मानते हैं, अगर खेल खेल में बच्चे रोने लगते हैं, मारपीट हो जाती है तो लोग कहते हैं कि तब तो कैसा खिलाड़ी है तुम। खेल में रोने लगा तो रोने वाले को वो लोग चिढ़ाते हैं, और मैं खेल में रो रहा हूँ, सच्चे खिलाड़ी कभी नहीं रोते, ना ही हार मानकर मैदान छोड़कर भागते हैं, धक्के पर धक्के सहकर भी मैदान में डटे रहते हैं। खेल हंसने के लिए है, दिल बहलाने के लिए है, रोने के लिए नहीं है। यानी कि सूरदास जब अपने झोपड़े के पास बैठ के रो रहा है तो घीसू और मिठुआ आकर उसको संतावना देते हैं और कहते हैं कि तुम कैसा खिलाड़ी है, खेल में कोई रोता है। इससे क्या होता है कि सूरदास को हिम्मत मिलती है, और जब हिम्मत मिलती है तब वह उठ खड़ा होता है और वो सोचता है कि मैं फिर से अपने झोपड़े का निर्माण करूँगा, फिर से मैं बचत करूँगा, पैसे से फिर मैं पिंडदान भी करूँगा और जो मेरे सपने हैं मैं वो सारे पूरे करूँगा। तो ये इस पाठ के अंतर्गत प्रेमचंद ने हमको हमें समझाने का प्रयास किया है। रंगभूमि से लिया गया यह पाठ। सूरदास की झोपड़ी बहुत ही सुंदर उपन्यास है, प्रेमचंद का लिखा हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेसन समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे संबंधित प्रश्न उत्तर दूंगी। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। धन्यवाद।